आज हम इस YouTube वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आयोनाइजेशन एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी में वैसे तो कोई रेगुलर ऑर्डर होता नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम की 632, टाइटेनियम की 59, वैनेडियम की 650 और आयरन तक ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, पर कोबाल्ट में जाकर, ठीक है ना, कोबाल्ट में जाकर कोबाल्ट, निकल और कॉपर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई है और फिर जिंक में जाकर फिर से बढ़ गई है। तो हम इसका पॉसिबल आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयरन की मैक्सिमम होती है और फिर तो 3D में आप मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हुई, आयरन की, ठीक है ना, पर जिंक की इससे भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, जिंक की, मतलब 3D सीरीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है विद सम एक्सेप्शन। अब हम उन एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम आयरन पे आ जाते हैं तो आयरन का कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 और 3d6। यहां पर डी में पहली बार पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी बढ़ती है। अब कोबाल्ट में आकर इसका कॉन्फिगरेशन हो जाता है D7। D7 का मतलब क्या हुआ, कोबाल्ट में दो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, तो दो पेयर बन जाते हैं जिससे डी इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करते हैं, तो एस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है और कोबाल्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल जाता है। अब निकल में क्या होगा, तीन पेयर बन जाएंगे तो निकल में रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब और ज्यादा बढ़ जाएगी तो निकल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कोबाल्ट के कंपैरिजन में और कम हो जाएगी। अब कॉपर में कॉन्फिगरेशन होता है क्या, 3d9 4s2, लेकिन s इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है तो s में इलेक्ट्रॉन एक ही रह जाता है। तो अब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स था वो पहले दो इलेक्ट्रॉनों में शेयर हो रहा था, कॉपर के दो, निकल में दो इलेक्ट्रॉन पे शेयर हो रहा था, लेकिन कॉपर में आते ही वो सारा का सारा अट्रैक्टिव फोर्स एक ही इलेक्ट्रॉन पर शेयर हो रहा है। तो अब 4s इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और साथ के साथ पेयरिंग भी D10 हो गई तो रिपल्सन भी बढ़ेगा। पर नेट जब हम वैल्यू देखते हैं स्लेटर कांस्टेंट से तो कॉपर की वैल्यू ज्यादा आती है, तो कॉपर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकल से ज्यादा होती है और एंड में जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि जिंक स्टेबल कॉन्फिगरेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम चलते हैं 4D सीरीज में। 4D सीरीज में आप देख सकते हैं कि जो PD है, जो PD की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो PD की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ज्यादा होने का रीजन क्या होगा, क्योंकि PD में S का इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन डी में से जाएंगे और डी फुलफिल्ड हो जाता है जिससे एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है और पीडी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4D सीरीज में मैक्सिमम हो जाती है। अब हम चलते हैं 5D सीरीज में। 5D सीरीज में हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी मरकरी की होती है क्योंकि मरकरी में स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, फर्स्ट फाइव एलिमेंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी धीमे धीमे बढ़ेगी और फिर सडनली चेंज आएगा और वो अलग अलग होगा। तो आयरन पे चेंज आएगा तो अब कॉम्पिटिटिव के लिए आयरन, MN और कोबाल्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, जबकि 4D सीरीज में जो इम्पॉर्टेंट होगा वो PD का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी और 5D में मरकरी और इरिडियम के सबसे ज़्यादा है और मरकरी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट होती है। अब हम एक 12th क्लास का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
12th क्लास का क्वेश्चन है कि जब हम सीरीज में आगे चलते हैं तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट मोर और मोर स्टेबल होती जाती। अब कोई पूछता है इसका रीजन क्या है, तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है, साइज डिक्रीज होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ओवरऑल बढ़ती है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, इसलिए किसी भी सीरीज में आगे जाने पर प्लस टू की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है और हायर ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीज करती है, ठीक है ना। जबकि शुरू वाले एलिमेंट सिर्फ हायर ऑक्सीडेशन नंबर ही दिखाते हैं। तो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में समरी में क्या सीखा कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना। अब कोबाल्ट निकल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनल करेक्टर दिखाता है, उसका रीजन है 3D में पेयरिंग होने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, जिससे निकल और कोबाल्ट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है और जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3D में सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है ना। 4D में PD की आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हाईएस्ट होती है और 5D सीरीज में मर्करी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटालिक नेचर। हम देख सकते हैं मेटालिक नेचर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मींस क्या हुआ, डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट से कम मेटालिक होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा मेटालिक नेचर होते हैं। तो मेटालिक नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, का कॉम्प्लेक्स नेचर पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स नेचर या किसी का भी कॉम्प्लेक्स नेचर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि उनका साइज छोटा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बैकेंड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, पर बच्चों लिथियम और बेरिलियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, पर उनके पास डी होती ही नहीं है, तो ये आंसर इररिवेलेंट हो जाएगा और मतलब ठीक नहीं है कि उनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए। बैकेंड डी ऑर्बिटल एक सब्सिडरी आंसर है जो उसमें हेल्पफुल होता है कि अगर ऑर्बिटल बैकेंड भी है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कंडीशन बढ़ जाती है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस बनाऊंगा और पहली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है AgBr की रिएक्शन हाइपो के साथ में। इस रिएक्शन को हम फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोग्राफी में फिक्सिंग की तरह। तो जब हम AgBr की रिएक्शन हाइपो से कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फोटोग्राफी में हाइपो AgBr से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स ये बनता है, इसका नाम होता है सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, और ये लाइट सेंसिटिव नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपो का फोटोग्राफी में क्या यूज है, ये फिक्सिंग की तरह काम करता है। अब आए हम गोल्ड की KCN से रिएक्शन। ये हम गोल्ड की मेटलर्जी में भी देख चुके हैं कि जब AuKCN की रिएक्शन हम ऑक्सीजन और H2O से करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम फर्दर जिंक से कराते हैं तो जिंक वॉलेटाइल और रिएक्टिव मेटल है तो गोल्ड को डिस्प्लेस करके कॉम्प्लेक्स बनाती है और गोल्ड फ्री हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो कॉपर सल्फेट का लाइट ब्लू कलर या वाइट कलर डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि अमोनिया एक पावरफुल लिगेंड है। तो जब ये मेटल को लिगेंड जब मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो कॉपर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और कॉपर का इलेक्ट्रॉन आसानी से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। हम चलते हैं
ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KCN से कराते हैं। आई थिंक ये NCERT के 13 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन का आंसर है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो K2 ठीक है ना, और कॉपर आ जाएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉपर लगाते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते तो इसकी रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जो आपके सामने है। अब इसमें बच्चा कहेगा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुकों में आंसर दिए हैं उन सब में ये K2 दे रखा है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर को उन्होंने चेंज नहीं किया है। लेकिन सही ये है कि कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं 2 से चेंज होकर 3 हो जाती है, सॉरी पोटेशियम के नंबर 3 हो जाती है और कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर सल्फेट में +2 है और ये +1 हो जाती है। तो अगर हम CBSE के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे करेंगे तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसमें दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है CN2 जो एक साइनोजन जिसका नाम है और इसको हम स्यूडो हाइड्रोजन कहते हैं, स्यूडो हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है जे एडवांस के लिए और ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ के बच्चे ध्यान रखें, सिंपल से आपको सिर्फ K2 से ही करना है नहीं तो टीचर काट देगा। हम कुछ रिएक्शन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस कर लेते हैं। H2S एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब हम H2S की रिएक्शन कोरेसिव सब्लिमेट के साथ करते हैं तो हमें HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, ये सेकेंड ग्रुप एनालिसिस में काम आती है। फिर SnCl2 बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैलोमल को मरकरी में डिपॉजिट कर देता है, ठीक है ना। दूसरा KIB स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, जब हम KI की रिएक्शन HgCl2 के साथ में कराते हैं, HgCl2 के साथ में कराते हैं तो हमें HgI2 मिल जाता है और HgI2 की रिएक्शन फिर से KI के साथ कराने पर हमें K2HgI4 मिलता है जो नेस्लर रिजेंट का काम करता है। पर बच्चों साथ में KOH का होना जरूरी है और ये S ब्लॉक का क्वेश्चन है। ZN सल्फेट और BaSO4, ZNS और BaSO4 को मिलाकर हम लिथोपोन कहते हैं और इसको व्हाइट पिगमेंट की तरह यूज करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जनरली व्हाइट कलर को जब हम एयर में रखते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के सल्फर से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है, लेकिन ZNS का व्हाइट कलर सल्फर की वजह से ही है। तो अगर हम ZNS के व्हाइट पेंट को यूज करेंगे तो उसमें ब्लैक कलर डेवलप नहीं होगा, इसलिए लिथोपोन एक महंगा व्हाइट पिगमेंट है और यूज करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलॉय फॉर्म। तो जब हम एलॉय बनाते हैं तो एक मेटल के लैटिस में एक मेटल को रिप्लेस करके दूसरे मेटल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह के एलॉय फॉर्मेशन को हम सॉल्यूशन कहते हैं और ये सॉल्यूशन है सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये NCERT के 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में दिया हुआ। तो हमने क्या किया, अब इनको मिला कैसे सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के साइज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं इसलिए हम एक दूसरे के लैटिस में इनको मिला सकते हैं। जब हम कॉपर में जिंक मिला देते हैं तो इससे ब्रास और हिंदी में पीतल बन जाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कॉपर से अलग होती है, लेकिन जब हम उसी कॉपर में टिन मिला देते हैं तो हमें ब्रॉन्ज मिल जाता है। अब ब्रॉन्ज और ब्रास में से कौन सा मटेरियल कुकिंग के लिए बेटर है, तो ब्रॉन्ज या जिसको हिंदी में कांसा कहते हैं बेटर है, क्योंकि हम पीतल के बर्तन में नींबू नहीं निचोड़ते, क्योंकि नींबू का जो एसिड है वो जिंक से रिएक्ट करता है जबकि टिन ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। तो नीट का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा मेटल ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। और थर्ड अलॉय है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बनाने के लिए हम कॉपर जिंक और निकल को मिलाते हैं पर इसमें सिल्वर 0% होती है। तो क्वेश्चन आता है किस सिल्वर अलॉय में सिल्वर 0 होती है, तो इसका आंसर है जर्मन सिल्वर।
एक नोट के बाद, कुछ बच्चे स्टील को एलॉय समझते हैं पर यह आयरन के फॉर्म है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट, सोल्डर और फ्यूज वायर। ये फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, टिन और लेड को मिलाने से हमें लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल मिलती है जिसको हम सोल्डर और फिजिक्स में उसको फ्यूज वायर की तरह यूज करते हैं। अब डी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो हम देखते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल के बीच में आप देख सकते हैं ये वैकेंट स्पेस है, ठीक है ना। ये वैकेंट स्पेस में जब कोई छोटे मेटल्स या छोटी गैस आकर फंस जाती है तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। हिंदी में इसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं क्योंकि जो एलिमेंट या गैस इसके बीच लैटिस में घुसी है उसने इससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्क हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। जैसे निकल के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है, तो जब हम निकल हाइड्रोजन के अलॉय को गर्म करते हैं तो वो हाइड्रोजन एक्टिव होकर निकलती है और रिडक्शन करती है। जब हम आयरन पर कार्बन की आयरन और कार्बन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं तो कार्बन आयरन के इस लैटिस के बीच में घुस जाती है और कास्ट आयरन बनाती है। अब ये गैप जब बच्चों खत्म हो जाएगा तो स्टील क्या होगी, हार्ड होती जाएगी। तो जितना कार्बन में आयरन में स्टील कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, आयरन हार्ड होता जाएगा। बिल्कुल जस्ट ऐसे है कि जैसे किसी बच्चे को हम सीमेंट खिला दें तो सीमेंट खिलाएंगे तो वो इसके स्टमक में जाकर सॉलिडिफाई हो जाएगा और इंटर स्पेस जो खाली जगह है उसमें भर जाएगा। तो अब बच्चों पेट कैसा हो जाएगा, उसका पेट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर अगर हम उसको मारें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट हमारा चलता है रहने निकल क्या होती है। रेने निकल क्या होती है, ये ऑर्गेनिक में काम आती है। जब हम निकल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो 200 डिग्री टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, लेकिन अगर हम इस निकल को कोलाइडल निकल लें, उस कोलाइडल निकल का नाम ही रेने निकल होता है, तो रूम टेम्परेचर पर ही बच्चों रिडक्शन हो जाता है। तो रेने रिडक्शन बोलते हैं, रेने रिडक्शन में हम कोलाइडल निकल यूज करते हैं। और कोलाइडल निकल बनाने के लिए हम निकल और एल्यूमिनियम की अलॉय की रिएक्शन KOH से कराते हैं। जब इससे कराते हैं तो हमें जो निकल मिलती है उसका नाम होता है रेने निकल। आज डी ब्लॉक पूरा खत्म हो गया है, तो मैं कुछ दिनों बाद डी ब्लॉक की सारी वीडियो को मिलाकर एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक साथ भी देख सकते हैं। क्योंकि एक साथ वीडियो देखने में क्या फर्क पड़ता है कि आपको कंसेप्ट का पता लगता है, जो कंसेप्ट मैंने एक वीडियो में बताया था वो दूसरे में भी अप्लाइड है, तीसरे में भी अप्लाइड है और फोर्थ में भी अप्लाइड है और फिफ्थ में भी अप्लाइड है। इससे आपका कंसेप्ट पर विश्वास बढ़ता है और आप भी सीख पाते हैं कि हाँ यही कंसेप्ट पूरे डी ब्लॉक में या पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।